नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनसे बातचीत की है, और अब सोनाली फोगाट का परिवार आके मुख्यमंत्री से मिला था और उन्होंने एक पत्र दिया था जिसमें उन्होंने मांग की है कि इसमें कुछ बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं इस हत्याकांड के पीछे, इसलिए इसकी सीबीआई से जांच करवाई जाए। तो उसके पत्र के आधार पर हमने गोवा के मुख्यमंत्री को, गोवा सरकार को हमने लिख दिया है कि इसकी हम सीबीआई जांच की स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। हाँ जी, हाँ जी। क्या सर, इसमें परिवार के लोगों से कोई संपर्क हुआ और जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पॉलिटिकल सियासी साजिश भी हो सकती है, कुछ ऐसे इनपुट मिले क्या? नहीं, अब उनका पत्र है, उसी आधार पर हमने गोवा की सरकार को लिखा है, उनके पत्र के आधार पर। नहीं, अभी जानकारी में नहीं है, अगर कोई की गई होगी तो उसमें पूरी कार्रवाई करेंगे। एक ये आया था सर कि वहाँ से गोवा डीजीपी हरियाणा को कोई जानकारी जो अब तक उन्होंने जांच की है उसकी डिटेल देंगे, कोई आई है? नहीं, अभी नहीं आई, अभी वो अगर कह रहे हैं तो भेजेंगे, पर अभी हमारे पास आई नहीं है। गोवा पुलिस की टीम आने वाली है सर हरियाणा जांच के लिए, क्या गोवा पुलिस ने कोई संपर्क किया है? नहीं, जब वो आएंगे तो हम पूरा सहयोग करेंगे, हमारी पुलिस पूरा उनका जांच में साथ देगी। जितनी इन्वेस्टिगेशन जो गोवा पुलिस की तरफ से अभी तक की गई है, जैसे 23 तारीख को मौत हुई, एफआईआर देरी से दर्ज हुई, तो क्या आपको लगता है कि इसमें कोई ढील, क्या जो कार्रवाई है वो सही तरीके से होगी? देखिए, जब हम कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच कराई जाए तो आपके प्रश्न का उत्तर उसमें आ जाता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।